हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर दिनेश पवार पर। फैमिली, घर का सारा काम भी हो गया है और नहाना भी हो गया है। दिनेश जी भी नहीं नहाए हैं, नहाएंगे, पर हम मोरी बना रहे हैं। नहाने के लिए बहुत दिक्कत होती है और यहाँ काम वाले भी सब लोग आ गए हैं तो इधर ही रहते हैं सुबह सुबह में भी, तो इसलिए नहाना का भी अच्छा लगता नहीं है। तो आज देखे मोरी बना रहे हैं। हमारी हमारी कम मोरी बन रहा है फैमिली। मोरी इधर बन रही है और खाना पानी तो वैसे ही कल की तरह सासू माँ ही रोटी करने के लिए बैठ गई है। हम इधर काम कर रहे हैं तो देखते हैं फैमिली मोरी कितने ईंटों में होती है। हम तो मना कर रहे थे पर दिनेश जी बोल रहे थे कि नहीं, वो कुछ भी नहीं होगा, अच्छी रहेगी बोले, यही बात बोल रहा था। देखते हैं आगे। रेड थोड़ा आज हुआ है क्योंकि बहुत मेहनत है, कल भी करेंगे, इतना ही हुआ है। हाँ, और कल करेंगे, रोटी बिट्टी तो बन रही है अभी। 9 बज गए हैं, 10 बजे बजने में आए हैं। सब्जी का तैयारी करते हैं, कुछ लाते हैं सब्जी करने के लिए दुकान पर से। हाँ, मसूर की दाल है, मैंने कल देवरानी के घर से लाई थी, मसूर की दाल बना लेंगे। फैमिली, अभी हम नहा धो लिए हैं और राशन घर में नहीं है तो बकरा कल हमने बेचा है 5,500 में, तो उसका राशन लेने के लिए जा रहे हैं हम। और सासू माँ ने रोटी बिटी बिचारी ने कर ली है और अभी सब्जी भी बना रही है और लखानी जी नहा रही है, तो हम वो मोरी का काम कर रहे थे तब तक ये कर रही है सासू माँ। और अभी मोबाइल इधर ही रख रहे हैं और लखानी जी को हम बोल कर जाएंगे। देखते हैं, उधर तो ना रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिनेश जी और पूजा दीदी गई है खोरी को, वो चूल्हा पे सब राशन खत्म हो गया है तो मानो दाल दपाल मतलब सब्जी का कुछ खाना पीना करने का रहता है वो खरीदने के लिए निकल गए हैं। और ये सासू माँ ने रोटी वगैरह पका लिया, खाना भी हो गया है। सब्जी है मसूर की दाल की और ये इधर काम चल रहा है, ये बुलडोजर से वो पानी का टेंशन अभी ख़त्म होगा, वो सुधार रहे हैं मानो वो टंकी बंद होने वाली है, उधर पानी का प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है तो मानो कोई बात नहीं है। और दिनेश जी पूजा दीदी को जाने के लिए तो टाइम थोड़ी हो गई है और नीलकंठ तारिणी को भी लेके गए हैं। और ये इधर शतरानी है, शतरानी क्या हुआ, दोस्तों को कुछ बोलेगी नहीं, सिर्फ टाटा ही आएगा, कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स, घर में तो प्रॉब्लम हो ही रही है, मानो कल दिनेश जी के साथ वो मेरा देवर जी झगड़ा करने वाला था तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए कोई बात नहीं है, अभी ठीक से चल रहा है। और वो बोल रहा था देवर जी के मेरी ही औरत चाहिए बोले, मैं किसी दूसरे से शादी नहीं करूँगा बोले, ऐसा वो बोल रहा था। तो हाँ, बोलता है दिनेश जी
तो फिर आपकी मर्जी, कुछ भी करो। आपको हम टेंशन में नहीं डालना चाहते हैं, आप कभी परेशान नहीं रहो उसमें नहीं हम डालना चाहते हैं। हमारी नहीं बात मानते हो तो आपकी मर्जी। ऐसा बहुत कुछ, कल भी वातावरण बढ़ गया था और मानो ऐसा चल, मतलब वो जब से वो लोग गए हैं तब से है ना कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ वातावरण बढ़ ही रहा है और हो ही रहा है, इसलिए है ना बहुत बहुत टेंशन आता है। तो ये बन रहे हैं हम ऐसा मूरी, इधर में आने देने का सब बनेगा, अच्छा रहेगा क्योंकि आने जाने वाले लोग को ही हम जब मानो काम, मतलब आने जाने वाले लोग कोई देखेगे नहीं मानो अच्छा से नहा नहला, मतलब नहा धो के रिकामा के उधर से आश्रम से निकलना अच्छा रहता है, वरना है ना हमारे वाले ऐसे नहाते हैं खुलेआम नहाते हैं। इसलिए अभी जिनके उनके घर बंधा गए तो अभी बाथरूम वगैरह वो बाथरूम वगैरह बांध लिया है, पर अभी हमारा घर बंधा नहीं है तो इसलिए ऐसा खुला में भी नहाना पड़ता है। तो दिनेश जी ने सोचा कि मानो हम भी थोड़ा आसरा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो वो बाथरूम बन रहे हैं खुले ईंटे रख के तो अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत सारी ऐसा प्रॉब्लम भी रहती है, उतार चढ़ाव सब रहता है, तो भी हम मानो तीन ही जन ये आमने सामने सिर्फ देख के बहुत सारी परेशानी झेल के चलना पड़ता है। इसलिए दोस्तों को ऐसा दुख नहीं लगना चाहिए, टेंशन नहीं आना, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मानो आप क्यों ऐसा है और उनका टेंशन उन पर ही छोड़ दो। तो आप सभी दोस्तों की बात सही है, पर मानो कोई दूसरे भी नहीं है, घर का मामला है, इसलिए है ना डिप्रेशन आ ही जाता है। ये कुछ मिटाओ और कुछ सोल्व करो तो और भी आ ही जाता है, कितना भी मतलब टेंशन दूर करके रहते हो ना तो भी टेंशन सामने आ ही जाता है। और फ्रेंड्स वो सुबह में दिनेश जी काम कर रहा था वो इसे रखने के लिए और झुकने गया, इतना बड़ा वो ये उनका शर्ट तक घालने का वो फट गया है, और बेचारे को तो कपड़े भी नहीं चेंज के लिए, तो उनके कपड़े भी देख के मेरे को बहुत ठीक लगता है। मैंने कई बार बोला है कि दिनेश जी आप कपड़े हैं ना अच्छे अभी लो, बोलता है पैसे पैसे आएंगे तब लेंगे, अभी पैसे नहीं हैं। तो सही बात है, जब टाइम आएगा तभी लेंगे, और उनके कपड़े वो जब पहनता है ना तब देख के मन दुखता है, इसलिए मुंह में से निकल जाता है। थैंक्स। तो अभी मानो उनको भी टाइम हो गई है उनका भी आने के लिए, तो ये हम मिस्टर दिनेश पार चैनल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग निकल गए हैं तो मेरा कर्तव्य है ये सब संभालने का, और वो आए तो हमारा तीनों का कर्तव्य हो गया हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, शायद ज़्यादा लंबा भी वीडियो हो रहा है, इसलिए आप सभी दोस्तों से हम इजाज़त चाहते हैं और मिलते हैं अगले चैनल पे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका प्यार आशीर्वाद हमें देते रहे। फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खंडेश, नमस्कार।